हेलो फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ उस छोटे से स्केल के लिए जो शायद डेली सीरियल्स पे फिट बैठेगा। अब ब्रह्मास्त्र देख के तो ऐसा लगा जैसे मेकर्स मूवी में स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले का अस्त्र ऐड करना ही भूल गए। मूवी में इतने सारे केमियोज होने के बाद भी इस मूवी को कोई बचा ही नहीं पाया, क्योंकि वाइडल पिच पे इतना हाई बजट लेके अगर नागिन सीरियल का अपग्रेडेड वर्जन ही बनाना था तो भाई टीवी सीरियल ही बना देते। इतना सारा पैसा जो एक देश की इकोनॉमी बचा सकता है पूरा वेस्ट हो गया। सिर्फ VFX को 4.5 स्टार्स दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मूवी जिसमें ना कहानी है ना कॉन्सेप्ट है, एकदम अतः खोखलापन था, उससे 2 से ज्यादा स्टार्स नहीं मिल सकते। हाँ तो भाई, आज ये बात प्रूव हो गई कि हाई बजट से व्यूअर्स इम्प्रेस नहीं होते। किसी मूवी को हिट बनाने में अनलिमिटेड डेडिकेशन और बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। फॉरेन की सुपर हीरो मूवीज ने इतना ज्यादा कंटेंट का स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, ये इदी पिदी बिना कहानी वाली मूवी उसके सामने पानी कम चाय है। अब भाई मोनी रॉय को मूवी में ले लिया तो क्या नागिन बना के दिखाओगे? आज के लिए बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो।